सेकंड वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करना है हमारी मेमोरी के अंदर, जिसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर या फिर फंक्शन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं इंट, फ्लोट, कैर, बूल। जो इंट, अगर आपको कोई इंटीजर स्टोर करना है जैसे 3000, 4000, 1, -1, तो आप लोग इंट डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। एंड अगर आपको कोई डेसिमल नंबर यूज़ करना है जैसे 4.5, 4.6 वगैरह, तो आपको फ्लोट डेटा टाइप को यूज़ करना पड़ेगा। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आपको कैर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम के ट्रू फॉल्स वगैरह को यूज़ करना चाहते हो तो आपको बूल जो डेटा टाइप है वो यूज़ करना है। यहाँ पर हमने इनकी साइज़ वगैरह लिख रखी है, तो आप लोग इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। अब हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझने वाले हैं कि जो हमारे डेटा टाइप और वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंट मैन। अब हम लोग दो जो नंबर्स हैं वो इनिशियलाइज कर देंगे, इंट ए इक्वल्स टू 10 कोमा बी इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो ए की वैल्यू है उसके अंदर हमने 10 को स्टोर करा दिया एंड बी के अंदर हमने 20 को स्टोर करा दिया। एंड यहाँ पर जो हमने इंट लिखा हुआ है ये बेसिकली इनका डेटा टाइप है। तो इंट लिखने का मतलब ये है कि हम लोग जो ए के अंदर और बी के अंदर हम लोग इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो स्टोर करने वाले हैं। अब हम लोग इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो हम लिखेंगे एसटीडी कोलन कोलन सी आउट ए स्टार बी रिटर्न 0। अब हम इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग रन करेंगे। सो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है 200 वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।